जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप सभी बताइए राधे राधे भाई गुड मॉर्निंग सभी को कैसे हैं आप सभी ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है राधे राधे गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग सभी को चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बहुत शानदार तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राम डी आई में जिसकी हम बात करते हैं और हिस्टोग्राम के टॉपिक में मैं आपको बता दूं आपके जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया था उसमें दो क्वेश्चंस में गलतियां थी तो फिर मैंने उनको हटवा दिया है पूरी की पूरी पीडीएफ आप में से अभी नहीं दिख रही होगी और नई पी आप लोग को दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है चलिए तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि सर पी क्यों नहीं अपलोड है कैसे है कहाँ है तो मैंने पहले ही आपको रीज़न बता दिया और अभी क्लास भी दस मिनट लेट होने का रीज़न भी वही था क्योंकि अभी क्लास के अचानक पाँच मिनट पहले मुझे पता चला यहाँ पर कि जो पी आपको प्रोवाइड की गई है उसमें से दो डाटा इंटरप्रिटेशन ऐसे हैं जिनके डेटा गलत लिखे गए हैं ठीक है तो इस वजह से जो है थोड़ा सा लेट भी हो गया और इस वजह से जो है हमने पूरा का पूरा डी वो हटा भी दिया है तो करेक्शन करने के बाद जो है हम यहाँ पर आप लोगों के लिए नया वाला जो शीट है वो अपलोड कर देंगे ठीक है चलिए हिस्टोग्राम बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं एक से दो क्लासेस में खत्म हो जाएंगे क्योंकि जो लास्ट वाली शीट है इसके अंदर हमने आपको दो डीआई दिए हैं एक जो है वो तो हिस्टोग्राम है और दूसरा जो है वो मिसिंग डीआई है और क्वेश्चन हमारे दोनों से आते हैं ठीक है चलिए सर सुबह में साढ़े चार एम में दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट कोई बात नहीं हम उसको करेक्ट कर देंगे और उसको साढ़े चार पी एम करवा दिया जाएगा परेशान मत होइए आ जाइए तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम को लेकर तो हिस्टोग्राम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी खाता है किसके साथ बारग्राफ डीआई के साथ जैसे आप जो बारग्राफ वाले डी को देखते थे ना बस यही होता है आपका हिस्टोग्राम लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर यह हो जाता है कि बारग्राफ में हमें जो डेटा दिया जाता है वो एग्जैक्ट डेटा होता है लेकिन हिस्टोग्राम में हमें जो डेटा दिया जाता है वो हमारे रेंजेस की तरह से होते हैं एक रेंज में डेटा दी गई होती है और रेंज में हमें बात की जाती है ठीक है जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम बात करते हैं ये आपका एक तरीके से हिस्टोग्राम है लेकिन इसमें जो डेटा होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा एक रेंज में होगा जैसे यहां ऐसा कहा जा सकता है जैसे मान लीजिए इसमें दो तरह के डेटा हैं एक तो आपका हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस में वजन के बारे में बताया जा रहा है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है तो इसमें अगर हम देखें तो चालीस किलो से पैंतालीस किलो के बीच में तीन बच्चे हैं अब वो वो तीन बच्चों का उम्र या वजन कुछ भी हो सकता है हो सकता है इकतालीस किलो हो सकता सकता है बयालीस किलो हो हो सकता है 45 किलो हो तीन बच्चे पचपन से साठ के बीच में सात बच्चे साठ से पैंसठ में नौ बच्चे पैंसठ से सत्तर में पांच बच्चे, 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 बच्चे और सत्तर से पिछहत्तर में छह बच्चे इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डी दिया जाता है और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मानिए हम यहाँ पर कह रहे हैं द गिन बारग्राफ द गिवन मैंने कहा ना एक तरीके से जो हिस्टोग्राम होता है वो बारोग्राफ का ही पार्ट है ठीक है बारग्राफ का ही पार्ट है उसको हम अलग से हिस्टोग्राम के नाम से पढ़ते हैं द गिन बारोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीचर इन डिफरेंट वेट ग्रुप स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ये टीचर्स के बारे में बता रहा है अलग अलग एज के वजन के ग्रुप में जैसे 40 के 45 के बीच में कुछ टीचर हैं 45 से 50 के बीच में कुछ टीचर हैं 50 से 55 के बीच में कुछ टीचर हैं और ये उनका नंबर भी दिया गया है ठीक है तो सबसे माफ <coughs> करिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं अपना जो सी में हमारा पूछा गया है इंस्टोग्राम का और ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली सीजेल के मेंस में ही आता है आपका सी हो गया सीपीओ हो गया कोई भी अन्य पेपर हो गया उन सभी पेपर्स में इसके ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है देखिए बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर मैक्सिमम कौन सा ऐसा वाला ग्रुप है इसमें जिसमें टीचर्स की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है मैक्सिमम है कौन सा वाला ग्रुप है तो आप मुझे देखिए जिसकी बिल्डिंग सबसे ऊपर होगी वही वाला वेट ग्रुप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेटा होगा अगर जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी वाली है ये नौ वाली है और ये नौ जो है यहां पर नाइन टीचर्स इस ग्रुप में मौजूद है तो ये कौन सा वाला ग्रुप है तो साठ से लेकर पैंसठ वाला ग्रुप है ठीक है यानी 60 से 65 वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा यहाँ पर वजन है तो हम ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर देंगे क्लियर हो गया बहुत आसान होता है ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी होती सिंपल क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप्स इज द नंबर ऑफ टीचर मैक्सिमम तो हमारा 60 से 65 वाले ग्रुप में सबसे मैक्सिमम टीचर है अगर मैं आपसे यह बच्चे पूछूं यहां पर कि <laughs> ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं कि बताओ इसमें सबसे मिनिमम यहां पर कौन से ग्रुप में रहेगा तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम तीन है जो कि हमारा 40 से 45 के बीच में रहेगा जो किसके बीच में रहेगा 40 से 45 के बीच में तो दिए गए यहाँ पर बारग्राफ को देख के आपको यह बताना है कि सबसे मैक्सिमम साठ से पैंसठ सबसे मिनिमम तीन से पांच अगर हम इसे ये भी बोले कि इनका औसत निकालो तो सभी डेटा का जोड़कर आप क्या करेंगे यहाँ पर औसत निकाल देंगे ठीक है जो कि हमें आगे भी पढ़ना है आज ये नेक्स्ट वाला डीआई देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर दो मनोज वर्मा कहते हैं ये कोई क्वेश्चन है बिल्कुल मनोज जी एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे थोड़ा आगे लेवल तक चलेंगे ठीक है अभी बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया अब इसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल कराते चलेंगे क्वेश्चन में कहा स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इस ग्राफ को देखने के बाद जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर देना है क्वेश्चन में क्या बोला गया तो यहाँ बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स की संख्या क्या क्या है एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताया गया और एक तरफ बताया गया नंबर ऑफ आवर्स प्लेइंग मोबाइल गेम्स पर डे ठीक है नंबर ऑफ आवर्स प्लेइंग मोबाइल गेम पर डे यानी एक तरफ यहाँ पर कितने बच्चे हैं उनकी संख्या के बारे में जैसे चार बच्चे आठ बच्चे बारह सोलह बीस अट्ठाईस बत्तीस ऐसे बच्चों की संख्या बताई गई है और एक तरफ यहाँ ये यह बताया गया कि वो कितने घंटे खेलते हैं जैसे यहां बात करें तो एक घंटे खेलते हैं दो घंटे खेलते हैं तीन घंटे खेलते हैं चार घंटे इस तरीके से अब जैसे ये पहली वाली बिल्डिंग है इसके ऊपर चार दिया गया है यानी ये क्या कहना चाहता है तो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि चार वर्ष के जो बच्चे हैं ना देखो एक घंटे से दो घंटे के बीच में खेलने वाले एक घंटे से दो घंटे के बीच में खेलने वाले कितने बच्चे हैं चार बच्चे हैं दो घंटे से तीन घंटे के बीच में खेलने वाले कितने बच्चे हैं आठ बच्चे हैं तीन घंटे से चार घंटे मतलब ऐसे बच्चे हैं जो तीन घंटे से चार घंटे तक मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हैं खेलते रहते हैं तो वैसे बच्चों की संख्या बाईस है चार घंटे से पाँच घंटे तक के खेलने वाले बच्चों की संख्या बत्तीस है ठीक है तो इस तरीके से कर करके हमें सारे के सारे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है ठीक है <coughs> सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड फाइव आवर और मोर देन फाइव आवर प्लेइंग मोबाइल गेम पर डे इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम पाँच घंटे या पाँच घंटे से ज़्यादा समय देते हैं मोबाइल में ठीक है कम से कम पाँच घंटे या पाँच घंटे से ज़्यादा कितने छात्र प्रतिदिन मोबाइल गेम खेलने में पाँच घंटे या पाँच घंटे से अधिक समय व्यतीत करते हैं तो जब देखिएगा पाँच घंटे या पाँच घंटे से अधिक यानी आपको यहाँ जाना है और आपको इसके बाद का डेटा लेना है आपको ये नहीं लेना है इसके पहले के डेटा नहीं लेना हैं आपको पाँच घंटे या पाँच घंटे के बाद का डेटा लेना

समझ में आ रहा है बात यहाँ पे ठीक है क्लियर है ये क्वेश्चन आपको चलिए बहुत शानदार शिवानी जी आपने आंसर गलत दे दिया देखिए पांच घंटे से ये कम है शिवानी जी आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं ये पांच घंटे से डेटा कम हो जाता है तो यहाँ पर हम बत्तीस को काउंट नहीं कर सकते हैं ठीक है जब भी यहाँ पर शब्द आता है ना पांच घंटे या पांच घंटे से अधिक तो वो हमारा इसके लिए आता है इसके पीछे के डेटा के लिए नहीं आता जैसे छह घंटे या छह घंटे से अधिक में सिर्फ ये छह आएगा इसके पीछे का डेटा नहीं आएगा क्लियर है बच्चों जैसे आ जाइए अभी ये क्वेश्चन नंबर तीन जो था वो आपके पुराने वाले शीट में थोड़ा सा गलत दिया हुआ था वो नीचे की वैल्यू तो उसको मैंने करेक्ट करवा दिया दोबारा से नई शीट मिलेगी आपको तो पता चल जाएगा नई वाली शीट में यहाँ नीचे चालीस पैंतालीस पचास पचपन साठ लिखा होगा और पुरानी वाली शीट में यहाँ डेढ़ सौ समथिंग लिखा हुआ था तो नई वाली शीट अब आप लोगों को मिल जाएगी तो उससे देख लीजिएगा अब यहाँ क्वेश्चन नंबर तीन देखिए नई वाली शीट के अनुसार इसमें क्या बोला गया है ठीक है तो सवाल में कहा गया द गिवन ग्राफ शोज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल ऑन अ पर्टिकुलर डे इस ग्राफ में यहाँ पर बच्चों का वज़न बताया गया है किसी पर्टिकुलर डे को जैसे यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताया गया है यहाँ पर उनका वज़न बताया गया है अगर हम यहाँ बात करें तो 40 से 45 के बीच में यहाँ पर कितने बच्चे हैं तो उनका वज़न तीस किलो है पैंतालीस से पचास के बीच का वज़न कितना है तो चालीस बच्चों का वजन है देखना जैसे कहा गया चालीस किलो से पैंतालीस किलो के बीच में कितने बच्चे आते हैं स्कूल हैं अलग अलग तरह के वजन के बच्चे होंगे कोई 20 किलो का बच्चा होगा कोई 25 किलो का बच्चा होगा कोई 30 किलो का बच्चा होगा तो यहाँ पर हमारा उसी तरीके से यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है सवाल में यहां कहा गया है चालीस किलो से पैंतालीस किलो के बीच वाले बच्चे कितने हैं तीस बच्चे हैं पैंतालीस किलो से पचास किलो वाले कितने हैं चालीस बच्चे हैं पचास किलो से पचपन किलो वाले कितने हैं पैंतीस बच्चे हैं और पचपन किलो से साठ किलो वाले कितने हैं पचास बच्चे हैं इस तरीके से अलग अलग वजन वाले बच्चों का हमें संख्या यहाँ पर दे रखा है ठीक है चलिए अब उसके आधार पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा तो वो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ही आपका मेज़ का है पहला क्वेश्चन सी एच एस एल का बहुत हल्का कराया था तीसरा क्वेश्चन सीधा मेज का करा रहे हैं ताकि आपका जो लेवल है वो ओवरऑल बढ़ता चला जाए तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन फिफ्टी के जी ध्यान से समझिएगा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन पचास किलो से कम है इज वाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग 55 फाइव के जी और मोर यानी पचास से भी कम वाले डेटा ठीक है मतलब कितने ऐसे हैं जो पचास से हमारे कम हैं यानी पचास से माइनस ठीक है ये ऐसे कह लो पचास किलो से कम वाले बच्चे और उसके बाद पचपन किलो या पचपन किलो से ज्यादा वाले बच्चे तो ये वाले जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत कम है किससे पचपन किलो वाले से नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग लेस देन फिफ्टी के जी इज वॉट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट फिफ्टी फाइव के जी और मोर यानी पचास किलो से कम वजन वाले बच्चे कितने प्रतिशत कम हैं पचपन किलो से ज़्यादा वाले बच्चों के तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पचास किलो से कम लेना है तो आगे जाएंगे सॉरी पीछे जाएंगे और पचास किलो से ज़्यादा लेना है तो आगे जाएंगे समझ रहे हैं मेरी बात को आप किसी भी बिंदु पर खड़े हो जाइए पचास किलो से ज़्यादा लेना है तो आगे का डेटा लेंगे पचास किलो से कम लेना है तो पीछे का डेटा लेंगे पचास किलो से कम लेना है यानी ये चालीस और ये तीस यानी सत्तर तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे बच्चों पचास किलो से कम वाले बच्चे कितने हैं सत्तर हैं और पचपन किलो से ज्यादा पचपन किलो से ज्यादा यानी पचपन से आगे यानी पचपन पैंतालीस और पच्चीस आप जोड़कर देखो पाँच चार नौ दो एक ग्यारह एक सौ दस एक सौ पच्चीस तो ये कितना हो जाएगा टोटल कुल मिलाकर एक सौ पच्चीस बच्चे तो कहा गया है ये वाली जो संख्या है वो एक सौ पच्चीस से कितनी कम है मैंने हमेशा एक बात कहा है बच्चों आपको ठीक है कि अगर हमें ये पता करना हो कौन किससे कितना प्रतिशत कम है कौन किससे कितना प्रतिशत ज्यादा है कौन किसका कितना प्रतिशत है तो हमेशा उनका रेशियो लिया करते हैं तो सबसे पहले आप इनका रेशियो ले लीजिए पाँच से काटेंगे तो चौदह बार में कटेगा से काटेंगे तो पच्चीस बार में कटेगा ठीक है समझ में आ गया बात अब बोला गया ये वाला इससे कितना कम है जैसे एक बच्चा यहां पर ज्योति मौर्य करके पूछ रही है कि सर नीचे हम किस को लेंगे कौन सी वैल्यू को लेंगे तो ज्योति जी हमेशा आप जिसके साथ उनको कंपेयर करेंगे ना नीचे वही वैल्यू आएगी आप इस चौदह की तुलना पच्चीस के साथ कर रही हैं कि ये अगर कम है तो ये पच्चीस से कितना कम है तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है जो कंपेरिजन करेंगी वो पच्चीस के साथ तो मुझे बताइए चौदह पच्चीस के साथ कितना कम है तो चौदह पच्चीस के साथ एक ग्यारह कम है और की तुलना में कम है तो पच्चीस तो इंटू कितना हो सौ परसेंट हो जाएगा पच्चीस से काटेंगे मेरे भाई यहाँ चार बार में ग्यारह इंटू चार चौवालीस परसेंट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ए फॉर आ भी जाओ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ गए बात को यहाँ पे बहुत शानदार तो क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट यहाँ पर कि 50 किलो से कम वाला वजन हमें एक तरफ लेना था एक तरफ 55 किलो से ज्यादा वाला लेना था और फिर उसके बाद देखना था कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी परसेंट कम है या ज्यादा है ठीक है चलिए बहुत शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल आपका है द गिवन ग्राफ शोज द मार्क्स ऑपटेंड बाई य स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन अगला वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ में बताया जा रहा है बच्चों के नंबर कितने कितने नंबर उनके किस किस एग्जाम में यहाँ पर आए हैं जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है और यहाँ बात करते हैं तो ये हमारे मार्क्स बता रहे हैं जैसे यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि डेढ़ से दो सौ बीच में लाने वाले कितने बच्चे हैं तो तीस बच्चे 200 से 250 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं 45 बच्चे हैं और 250 से 300 लाने वाले कितने बच्चे हैं तो 60 बच्चे हैं इस तरीके से हमें ये बताया जा रहा है कि कितने नंबर के बीच में लाने वाले कितने ऐसे बच्चे हो गए यहाँ पर ठीक है चलिए तो उसके बाद हम जरा उसी ब्या में क्वेश्चन देखते हैं मेस का क्वेश्चन आपका ये 12 सितंबर 2019 को पूछा गया था जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेस में आपके टोटल कुल मिलाकर डीआई के के दस आठ से दस के बीच में सवाल आते हैं और जिसमें हर वैरायटी होती है कुछ सवाल पाई चार्ट के होते हैं कुछ बारोग्राफ के होते हैं कुछ हिस्टोग्राम के होते हैं ठीक है कुछ टैबलेट डी आई के होते हैं तो आपको जो है यहाँ पर हर तरह का डी आई के ऊपर का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है जैसे यहाँ पर सवालों में क्या बोला गया देखिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन थ्री हंड्रेड मार्क्स इज वॉट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु तीन सौ और मोर मार्क्स यानी जो बच्चे तीन सौ से कम नंबर लेकर आ रहे हैं वो कितना परसेंट ज्यादा है ठीक है यहाँ पर देखिए लेस देन थ्री हंड्रेड तो सबसे पहले हमें किसका डेटा लेना है तो सबसे पहले हमें तीन सौ से कम का डेटा लेना है ठीक है और उसके बाद हमें उसको किसके साथ कंपेयर करना है तो साढ़े तीन सौ और मोर के साथ कंपेयर करना है ठीक तो 300 से कम लेना है यानी 300 सौ वाले बिंदु पे जाएंगे और कम का मतलब पीछे आना है यानी ये तीनों बिल्डिंग कवर करनी है तो 60 और 40 100 105 105 और 30 कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 135 है ठीक है साढ़े तीन सौ और मोर यानी साढ़े तीन सौ वाले पॉइंट से जाके राइट में आगे बढ़ना है यानी चालीस और तीस पचहत्तर हो जाएगा तो हमें यहाँ पर यह बात कहा गया कि ये वाला इससे कितना परसेंट ज्यादा है हमें ये बताना है यानी यहाँ पर वन थर्टी फाइव इज वॉट परसेंटेज मोर देन सेवेंटी फाइव अब बच्चों अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप पांच से काटेंगे तो बोलेंगे सर सत्ताईस बार में जा रहा है और पांच से काटेंगे तो पंद्रह बार में जा रहा है 3 से काटेंगे तो आपका नौ बार में तीन से काटेंगे पांच बार में यानी नौ पांच से कितना ज्यादा है तो चार ज्यादा है और किस से तुलना कर रहे हैं पांच के साथ तो चार बटे पांच इंटू यहाँ पर सौ परसेंट कर देंगे पांच से काटेंगे तो हमारा बीस आ जाएगा बीस चौके अस्सी परसेंट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है मैथ्स एडिक्टेड थैंक यू सर सुपर वे ऑफ टीचिंग लव यू फ्रॉम सिक्किम लव यू भाई लव यू तो देखिए जो हिस्टोग्राम वाला है एक तरीके से ये फ्री फंड का आपका है फ्री फंड का आपका नंबर देकर जाएगा पेपर में बस थोड़ा सा यहाँ पर सीख लेना है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बाद तो यहाँ से फ्री के नंबर उठकर आपके पेपर में आने वाले हैं ठीक है क्लियर है अगला डीआई पढ़िए अगला डीआई क्या दिया गया है चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है ये नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर कि यहाँ वर्कर की संख्या हो गई दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर ऐसे करके और एक तरफ बच्चों आपको बताया गया उनका दिहाड़ी यानी कितने रुपए उनको डेली का मिलता है जैसे यहाँ पर डेली का उनको जो है चार सौ मिलता है कि साढ़े चार सौ मिलता है कि पाँच सौ मिलता है साढ़े पाँच सौ मिलता है इस तरीके से करके अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि देखो चार सौ से साढ़े चार सौ के बीच कमाने वाले कितने लोग हैं तो तीस लोग हैं साढ़े चार सौ से पाँच सौ के बीच में कमाने वाले कितने लोग हैं पैंतालीस लोग हैं इस तरीके से यहाँ पर हमें एक डी आई का डेटा दिया गया है और उसके आधार पर हमें क्वेश्चन बताना है तो आपके सामने ग्यारह सितंबर दो हजार उन्नीस में इसका क्वेश्चन रहा और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है सवाल देखिए क्या बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500 यानी यहां पर हमें 500 से कम का डेटा लेना है ठीक है और टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज आर वेलीजो और एभव, और इसका हमें डेटा किसके साथ लेना है 600 से ऊपर का डेटा यानी 500 से कम वाले लोगों की संख्या और 600 से ऊपर वाले लोगों की संख्या 500 आ गया तो 500 से कम वाले कितने हैं 45 और 30 यानी 75 लोग हैं ठीक है और उसके बाद यहां पर बात करते हैं 600 से ज्यादा वाले कितने हैं तो 55 और 30 यानी 90 लोग हैं तो बोला गया इन दोनों का रेशियो बताओ इन दोनों का रेशियो कितना होगा एकदम हलवा सवाल है बताओ यहां पर यह भी कोई सवाल है 15 से काटोगे तो पांच बार में 15 से काटोगे तो छ बार में पांच अनुपात ऑप्शन नंबर ए फॉर आ जाओ इज द करेक्ट आंसर आएगा ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे तो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया कि 500 से कम वाले और 600 से ऊपर वालों का जो रेशियो है वो बताइए कि कितना हो जाएगा पाँच अनुपात 6 हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का जो डी है वो गलत दिया गया आई थिंक यहाँ पर हाँ इसका डी सही है लेकिन इसमें जो है ना एक फॉल्ट है थोड़ा सा वेट करेंगे थोड़ा सा बच्चों वेट करिए बस एक डीआई जो है यहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ आ जाइए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं यहाँ पर अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है ठीक है सवाल देखिए यहाँ पर मैंने करेक्शन करवा दिया है ठीक है सवाल नंबर छह आपका ये और ये सवाल नंबर छे में आपको बोला क्या गया जरा वो भी देख लीजिए तो सवाल नंबर छह में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए ये एक डी है और इस डी में आपको क्या दिया गया तो डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज ऑफ पेशेंट बींग ट्रीटेड इन अस्पिटल अ सिटी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है अलग अलग एज के लोग हैं और उसमें कितने संख्याओं के लोग मौजूद हैं जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें कोई पाँच साल का भी बच्चा है पचास साल का भी कोई व्यक्ति है तो उनके जो रेंजेस है ना काफी सारे लोग होंगे हर किसी की उम्र अलग अलग होगी हर किसी का एज अलग अलग होगा तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करें तो उनको हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि जैसे जीरो साल से दस साल के बीच में दस लोग हैं दस से बीस में इतने लोग हैं बीस से तीस में इतने हैं तीस से चालीस में इतने लोग हैं ये लोगों की संख्या बताई गई और उम्र बताई गई है और उसके आधार पर मेंस का आपका ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सवाल में कहा गया नंबर ऑफ पेशेंट एजेड टेन ईयर और मोर ठीक है दस साल और दस साल से ज्यादा ये पॉइंट समझिएगा टेन ईयर और मोर बट बिलो फोर्टी ईयर ठीक है दस साल या दस साल से ज्यादा लेकिन चालीस साल से कम यानी हमें यहां पर जो है देखना है तो दस साल से ज्यादा यानी दस से राइट में जाना है और चालीस साल से कम यानी पीछे आना है समझ रहे हैं मेरी बात को दस साल से ज्यादा जाने का मतलब देखो दस साल से कम का मतलब पीछे दस साल से ज्यादा का मतलब आगे चालीस साल से कम का मतलब पीछे चालीस साल से कम का मतलब सॉरी ज्यादा का मतलब आगे तो हमें यहां पर क्या लेना है दस से ज्यादा चालीस से कम यानी दस से राइट में चले दस से ज्यादा लेकिन चालीस से कम यानी इसमें इस लाइन में टोटल तीन बिल्डिंग कवर हो रही है तो इन तीनों का डेटा लेंगे बीस चालीस पचास अंठावन तो कितना बोलेंगे फिफ्टी एट यह फिफ्टी एट कैसा डेटा है तो ये दस साल से तो ज्यादा है लेकिन चालीस साल से कम है अब हमें क्या करना है तो बोला है नंबर ऑफ पेशेंट इतना इज परसेंटेज लेस देन वह कितना परसेंट कम है और किससे कम है तो नंबर ऑफ पेशेंट एजेड फिफ्टी और मोर ईयर बट बिलो एटी ईयर यानी हमें इसकी तुलना करनी है और किसके साथ करनी है उन लोगों के साथ जिनका पचास से तो ज्यादा है लेकिन अस्सी से कम है फिफ्टी ईयर और मोर बट लेस देन एटी पचास साल से ज़्यादा लेकिन अस्सी से कम तो अगर जैसे ये हमारा पचास है तो पचास से ज़्यादा लेकिन यहाँ पर अस्सी से कम यानी हमें ये तीन बिल्डिंग लेनी है तो ये तीन बिल्डिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन तीन बिल्डिंग में तीस बीस पचास बीस सत्तर और ये हो जाएगा अस्सी यानी हमें यहाँ पर इसकी तुलना अस्सी के साथ करनी है ये अंठावन कैसा डेटा है तो ये अंठावन ऐसा डेटा है कि जो दस साल से ज़्यादा है लेकिन चालीस साल से कम है ठीक है और ये 80 कैसा डेटा है तो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो हमें यहाँ बोला गया कि ये वाला पेशेंट जो है ठीक है कितना परसेंट 80 से कम है ये अंठावन 80 से कितना परसेंट कम है हमें ये बात कहा गया है तो आप देखिए अंठावन 80 से कितना कम है तो आप बोलोगे सर 22 कम है और किसके तुलना में तो 80 के तुलना में तो 22 बटे अस्सी इंटू यहाँ पर 100 20 का चार बार में 20 का पाँच बार में 22 का पाँच गुना एक सौ दस बटे चार है जिसको अगर हम करें तो चार का दो गुना आठ चार सौ ते ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर ये हमारा सही आंसर आएगा समझ गए बात को यहां पर ठीक है क्लियर है चलिए बहुत शानदार तो कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर जाना कि कौन सा वाला जो है उसका रेशियो किसके साथ क्या होगा अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ दिया गया है अगला सवाल जो है वो भी बोला गया है आपसे यहाँ पर कहा गया द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ स्टूडेंट इसमें बच्चों के हाइट के बारे में बताया गया है जैसे एक से एक के बीच में हाइट कितनी है एक से एक के बीच में कितने बच्चों की हाइट है एक से एक और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया है और इस हिस्टोग्राम के आधार पर हमें यहाँ क्वेश्चन देना है तो सबसे पहले क्वेश्चन का देखिए सीपीओ का क्वेश्चन है पूछा गया है अच्छा सवाल है देखिए यहाँ पर बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज बिटवीन 150 टू 155 यानी जिनका हाइट 150 से 155 के बीच में है तो 150 से 155 के बीच में कितने बच्चे हैं 15 बच्चे हैं ठीक है और एक सौ पिछहत्तर से एक सौ अस्सी एक सौ पिछहत्तर से एक सौ अस्सी के बीच में कितने बच्चे हैं छह बच्चे हैं और इन दोनों का क्या बोला गया है तो इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा गया है यहाँ पर तो पंद्रह से छे का डिफरेंस कितने का है तो पंद्रह माइनस छह यानी ऑप्शन नंबर सी सी फॉर कटप्पा इज अ करेक्ट आंसर यानी नाइन है तो इन दोनों का डिफरेंस बोला गया था कि देखो एक सौ पचास से पचपन वाले बच्चे और एक सौ पचहत्तर से अस्सी वाले बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है नाइन है ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 160 टू 170 यानी देखिए यहाँ पर तो कई सारे लोग हैं ना कई सारे बच्चे हैं कहीं पर छह बच्चे हैं कहीं पर सात बच्चे हैं कहीं पर आठ बच्चे हैं तो यहां हमसे ये यह बोला गया है कि एक से एक सौ से एक तक के जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत हैं तो हमें एक साठ से देखो एक सौ साठ से पैंसठ और पैंसठ से सत्तर यानी हमें ये दोनों बिल्डिंग लेना है। 160 से 70 करना है कितना परसेंट है ये पूरे लोगों का कितना है तो दस और चौदह कितना हो गया चौबीस हो गया इसका हमें बताना है कि ये पूरे क्लास का कितना परसेंट है तो पूरी क्लास में कितना लोग हैं पंद्रह और तेरह अट्ठाईस अट्ठाईस दस अड़तीस अड़तीस चार बयालीस दस बावन बावन और बारह कितना हो जाएगा तो बावन और बारह चौंसठ चौंसठ छः सत्तर यानी ये जो चौबीस है ये सत्तर का कितना परसेंट है तो चौबीस बटे सत्तर इंटू बच्चों क्या कर देंगे सौ कर देंगे जीरो से जीरो खत्म दो सौ चालीस बटे सात कितना हो जाएगा दो सौ चालीस बटे सात परसेंट हमारा आंसर है सॉल्व करेंगे सात का तीन गुना इक्कीस आ जाएगा सात का चार गुना अट्ठाईस आ जाएगा लगभग लगभग चौंतीस परसेंट के करीब में आएगा यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा तो ऐसे डीआई को बड़े आराम से बड़े सावधानी से अच्छे से पढ़ना होता है उसके आधार पर हमें उनके आंसर्स देने होते हैं कौन किसका कितना परसेंट है ये हमें बताना होता है अगर हमें यहाँ पर ये बात बोला गया था 160 से 70 तो 60 से पैंसठ भी काउंट करते हैं और पैंसठ से सत्तर भी काउंट करते हैं ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर <coughs> आसान है तेईस ग्यारह दो हजार बीस का पूछा गया सवाल है ठीक है अभिषेक कुमार कहते हैं जब क्वेश्चन इजी है तो स्पीड बढ़ाइए अभिषेक जी सारे के सारे आप ही की तरह धुरंधर नहीं है मुझे सबको लेकर चलना है अगर आपको वीडियो को स्पीड में ही देखने का शौक है तो एक काम करिएगा क्लास के बाद में आराम से आप टू एक्स में देख लीजिएगा यूट्यूब की वीडियो है नहीं कि जिसको हम स्पीड में पढ़ा सकें ठीक है यहां पर वो हर वो स्टूडेंट है किसी का लो लेवल है किसी का बहुत हाई लेवल है किसी का मॉडरेट है तो मैं जिस गति से पढ़ा रहा हूं मैं उसी गति से पढ़ाऊंगा अगर आपको वीडियो को तेजी में देखना है आप आराम से इस वीडियो को बाद में देखिएगा ठीक है टू एक्स पे देखना है फाइव एक्स पे देखना है जितना पे देखना है आपके लिए ऑप्शन आप देखिएगा ठीक आ जाइए सवाल देखिए नंबर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हुज हुआ इन द क्लास इंटरवल वन सेवेंटी टू वन सेवनटी फाइव यानी यहाँ पर एक सत्तर से एक पिछहत्तर के बच्चे जो हैं जो रेंज में है इज़ वॉट परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज इज इन द इंटरवल वन सिक्सटी फाइव टू वन सेवेंटी यानी एक सौ सत्तर से एक सौ पिछहत्तर के बीच में रेंज वाले बच्चे जो हैं वो कितने परसेंट कम हैं वो कितने परसेंट कम हैं तो एक सत्तर से एक पिछत्तर वाले बच्चे यानी ये जो बारह स्टूडेंट हैं ये कितने परसेंट कम हैं किस में तो एक पैंसठ और एक सत्तर से स्टूडेंट वाले में यानी एक पैंसठ से एक सत्तर वाले में यानी चौदह में तो ये जो बारह है ये हमारा चौदह से कितना कम है हमसे ये बोला गया है ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे बोला गया है यहाँ पर कि ये जो बारह चौदह से हमारा कितना परसेंट कम है आराम से बता दो काटोगे तो ये बार में कटेगा काटोगे सात बार में कितने की कमी है एक की तो एक बटे सात इंटू सौ और एक बटे सात जो होता है वो आपका आ जाता है चौदह दशमलव दो आठ परसेंट यानी हमारा फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट ऑप्शन नंबर सी फर्क होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आएगा करण मेरे भाई कहते हैं मिनिमम आवर ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए देखो एक बात बताओ करण मैं आपको अगर बोल दूं यार कम से कम तो तीन घंटे पढ़ने पड़ेंगे तो क्या ऐसा है कि नहीं कम से कम आप तीन घंटे पढ़ोगे मेरे भाई ये ना पूछा करो मिनिमम आवर ऑफ स्टडी ये भी मत पूछा करो मैक्सिमम आवर ऑफ स्टडी मेरा मानना है कि आपकी जब नौकरी नहीं लगती है तो आपके पास जितना समय होता है ना आप उतना पढ़ा करिए क्या कोई मुझे बता सकता है कि यूपीएससी निकालने के लिए मुझे कम से कम कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा क्या कोई मुझे बता सकता है कि कामयाब होने के लिए मुझे कितने घंटे पढ़ाने पड़ेंगे चलिए मैं ही आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए इंडिया का नंबर वन एजुकेटर बनने के लिए

तो ये सब चीजें जो होती हैं ना वो बकवास की चीजें होती हैं इनमें इतना फोकस नहीं करना होता ठीक है आ जी एक स्टूडेंट कहते हैं सर मेंस का बैच लेना जरूरी है हमारा वीओडी से हो जाएगा देखिए होने को तो बहुत कुछ हो जाएगा वीओडी से हो जाएगा लेकिन मेंस में थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ तो अगर जिनको मेंस का बैच सॉरी जिनको मेंस का पेपर देना है वो मेंस का बैच से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मतलब यू समझ लीजिए जितना आप यहाँ सीख रहे हैं इससे एक लेवल ऊपर वहां पर है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो और इस ग्राफ को देखने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपको उनका आंसर देना है एक तरफ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है रहने का लिविंग इंडेक्स का कॉस्ट कितना है जैसे डेढ़ सौ से एक का खर्चा आएगा एक सौ साठ से एक का खर्चा आएगा और उसमें कितने यहाँ पर वीक्स हैं नंबर ऑफ वीक्स के बारे में बात हो गई है तो मेन्स का क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए ठीक है आपसे क्या बोला गया है सर पाई चार्ट का कंप्लीट क्लास नोट्स नहीं है मेरे भाई का भाई कंप्लीट क्लास नोट्स है आपने फिर देखा नहीं होगा अच्छे से आ जाइए क्वेश्चन नंबर दस देखिए क्या बोला गया नंबर ऑफ वीक्स इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज 160 और मोर कितने ऐसे हफ्ते थे जिसमें यहाँ पर रहने खाने का खर्चा 160 या 160 से ज्यादा तो था बट लेस देन 190 यानी हमें 160 से 190 का डेटा लेना है एक से एक का डेटा यानी हमें ये तीन बिल्डिंग लेनी है तो नौ छह पंद्रह पंद्रह और चार उन्नीस यानी हम कितना लेंगे उन्नीस लेंगे तो नंबर ऑफ वीक्स इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज 160 और मोर बट लेस देन 190 इज अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ वीक्स इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 200 हंड्रेड और मोर बट लेस देन 220 यानी जहां पर 200 से ज्यादा लेकिन 220 से कम तो 200 से ज्यादा लेकिन 220 से कम तो 200 से ज्यादा 220 से कम यानी सात और पांच बारह तो यहां ये बात बोला गया है नंबर ऑफ वीक इन विच कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज 160 सिक्सटी और मोर इज वाट परसेंट मोर देन ये वाली वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है ठीक है ये जो उन्नीस है ये हमारा बारह से कितना परसेंट ज्यादा है हमें यहाँ पर यह बोला गया है ठीक है चलिए तो हम बात करते हैं ये जो 19 से 12 से कितना ज्यादा है तो बोलेंगे यहाँ पर सात ज़्यादा है और किसके तुलना में बारह की तुलना में तो सात बटे बारह इंटू यहाँ पर सौ चार से काटा तीन बार में चार से काटा पच्चीस बार में पच्चीस का सात गुना एक सौ पिचहत्तर बटे में तीन तीन का पाँच गुना पंद्रह आ जाएगा तीन का आठ गुना चौबीस आ जाएगा लगभग लगभग अंठावन दशमलव तीन परसेंट के करीब में यानी ऑप्शन नंबर जो सी है का होना प्यार है इसका करेक्ट आंसर तक आ जाएगा ठीक है समझ गए बात यहाँ पे चलिए आ जाएगा और अगर आपके क्लास नोट्स में दिक्कत होगी तो मैं एक बार देख लूंगा क्लास नोट्स में क्या परेशानी है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा है द गिवन हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ पर्टिकुलर स्पॉट हाईवे स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स के बारे में बताया गया और यहाँ पर उनके स्पीड के बारे में बताया गया जैसे 40 से 50 में कितनी गाड़ी चल रही है उस हाईवे में तो यहाँ 50 गाड़ियां चल रही हैं 50 से 60 की रफ्तार में कितनी गाड़ियां चल रही हैं सत्तर साठ से सत्तर में कितनी चल रही हैं तो पिचासी गाड़ियाँ इस तरीके से करके चल रही हैं ठीक है चलिए तो क्वेश्चन हमसे कहा गया सीपीओ में क्या बोला गया नंबर ऑफ कार्स विथ स्पीड बिटवीन 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ कार विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर बोला गया जो कार है जिनकी रफ्तार से अस्सी के बीच में है जिनकी रफ्तार सत्तर से अस्सी के बीच में है सत्तर से अस्सी के बीच में है यानी यहाँ पर नब्बे जो कारें हैं देन द नंबर ऑफ कार विद स्पीड सेवेंटी एंड एटी किलोमीटर पर आवर इज वॉट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ कार विद स्पीड फिफ्टी एंड सिक्सटी ठीक है यानी यहाँ पर ये जो नब्बे है ये हमारा सत्तर से कितना ज्यादा है हमसे ये बोला गया है ये जो हमारा नब्बे है बच्चों ये सत्तर से कितना ज्यादा है इनका रेशियो देखिए नौ जो है वो सात से कितना ज्यादा है दो ज्यादा है कितने के ऊपर सात के ऊपर तो दो बटे सात इंटू क्या बोलेंगे सौ बोलेंगे एक बटे सात चौदह दशमलव तीन परसेंट आता है दो बटे सात अट्ठाईस दशमलव छह परसेंट आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बात पर अभिषेक कहते हैं सर प्लीज कभी कभी मोटिवेट भी कर दीजिए देखो अभिषेक यार मोटिवेशन है ना यार ऐसे नहीं होता कि मतलब ठीक है होता है पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो काफी टाइम ऐसा हो जाता है जब दो दो दिन तीन तीन दिन निकल जाएंगे स्पेशली वो संडे वाला दिन होता है जहाँ पर आप कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं फिर उस समय आप सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं इंसान पता है डिमोटिवेट कब होता है जब वो पहले पढ़ रहा हो और अचानक से वो पढ़ाई छोड़ दे फिर वो हो जाएगा डिमोटिवेट ठीक है तो यहाँ पर है ना सबसे पहले तो थोड़ी सी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखो संडे ऐसा दिन होता है जहां पर आपको लगता है कि नहीं वाकई संडे मनाने की जरूरत है बट मुझे जहां तक लगता है कि संडे ही वो ऐसा दिन होता है जहां पर आपको ये सोचने की जरूरत होती है कि मैं बाकी लोगों से आगे कैसे बढ़ू ठीक है बाकी लोगों से आगे बढ़ने के लिए ही आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटी संडे को बनानी होती है और उसको थ्रू आउट द वीक इंप्लीमेंट करना होता है सैटरडे संडे ही ऐसा दिन होता है जहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा रिविजन करना होता है अगर मेरी सुनोगे तो मैं जो है वो संडे को सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाता था रीजन भी यहाँ पर यही होता था क्योंकि मुझे जो है उस दिन अपने आप को जज करना था कि ऑल ओवर इंडिया में, में मेरा स्कोर क्या जा रहा है कितना मेरा रैंक आ रहा है कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ इन सभी बातों को लेकर तो इन बातों का ध्यान दीजिए पहली बात तो संडे मत गवाइए और दूसरा जितना भी आपके पास समय उस समय का पूरा का पूरा सदुपयोग करिए वेस्ट मत करिए पता चले यहाँ पर पूरा समय खिलवाड़ में निकाल दिया तो भी मेरे भाई कोई फायदा होने वाला है नहीं ठीक है सोच लो कि अब तक जीवन कैसे बिताए हो क्या ये अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हाँ आपके पास भी जो है बी हो ऑडी हो सबकी इच्छा होती है आपकी भी इच्छा होगी यहाँ पर तो अगर आप ऐसा सोचते हैं मन में लेकर कि नहीं यार मुझे भी एक बढ़िया लाइफ स्टाइल चाहिए एक बढ़िया जिंदगी चाहिए तो मेरे भाई उस तरीके से मेहनत करो सोचता कौन नहीं है आप भी सोच रहे हो ऑडी चाहिए मैं भी सोच रहा हूँ ऑडी चाहिए बट हम दोनों में फर्क एक ही बात का तो आ जाता है वो है मेहनत यहाँ पर किस्मत तो कुछ पल के लिए साथ दे सकती है ना मेरे भाई लेकिन मेहनत जो करेगा लाइफ में आगे वही तो बढ़ेगा भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसा हो हर व्यक्ति चाहता है उसके पास गाड़ी हो ठीक है लेकिन मेरे भाई जो बंदा मेहनत करता है जो उस तरीके से अपनी तकदीर को रख रहा है जो पसीने से एकदम नहा रहा है सुबह से शाम तक ठीक है जिसने अपने आप को एकदम जगजोर रखा है तो आगे तो वही बढ़ेगा ना यार भगवान भी मदद उसी की करते हैं जो खुद की मदद करता है अगर आप खुद की मदद कर ही नहीं रहे थोड़ा भी पढ़ी नहीं रहे तो कोई और आपको क्या पुश करेगा तो सबसे पहले उन चीजों के लिए आपको उठकर बैठकर पढ़ना पड़ेगा एक स्ट्रैटी बनानी पड़ेगी उसको फॉलो अप करना पड़ेगा तभी तो मेरे भाई आगे बढ़ पाओगे सोचने से एकमात्र अगर चीजें बदल जाती तो सोचते तो हम भी हैं पूरी दुनिया बदल के रख देंगे तो क्या सोचने से हो सकता है नहीं हो सकता ठीक है आ जाइए सवाल देखिए क्या बोला गया है स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो अब यहाँ पर प्रॉपर हिस्टोग्राम का शब्द इस्तेमाल किया गया है कि इस हिस्टोग्राम को पढ़िए और इस हिस्टोग्राम में जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे आपको उनका आंसर देना है सवाल में यहाँ पर वजन के बारे में चर्चा है और यहाँ नंबर ऑफ पर्सन के बारे में चर्चा है कि पचास से पचपन वाले वजन के अठारह लोग हैं इस तरीके से करके सब का यहाँ पर अलग अलग जो है वो दिया गया है ठीक है तो ये आपका मेन्स का क्वेश्चन है और इस बार के मेन्स का क्वेश्चन है पिछली बार की मेन्स का करवा रहे हैं जो अभी आपका पेपर हुआ है ना 2022 में मेंस वाला उसका क्वेश्चन है सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है नंबर ऑफ पर्सन वेइंग 55 केजी और मोर बट लेस देन 75 केजी यानी 55 किलो से ज्यादा और पचहत्तर किलो से ouais. कम तो पचपन किलो से ज्यादा मतलब पचपन से राइट में जाएंगे और पचहत्तर किलो से कम यानी पचहत्तर से लेफ्ट में जाएंगे तो पचपन से ज्यादा और पचहत्तर से कम यानी हमें यहाँ पर कौन कौन से डेटा लेने हैं तो ये चार लेने हैं पचपन से ज्यादा पचहत्तर से कम ठीक है तो यहाँ बोलेंगे 25 और पैंतीस हो गया साठ साठ और पचास एक सौ दस एक सौ दस और दो एक सौ बारह एक सौ बारह आठ एक सौ बीस एक सौ बीस और चालीस एक सौ साठ कुल मिलाकर 160 लोग हैं जो 55 से ज्यादा हैं, 75 से कम है पच्चीस पैंतीस बावन और अड़तालीस जोड़ दो ये दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा सौ आ जाएगा और इनको जोड़ोगे तो साठ आ जाएगा कुल मिलाकर एक सौ साठ तो बोला गया नंबर ऑफ पर्सन वेइंग इतना के जी और मोर बट लेस देन इतना के जी इट व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग एटी के जी और मोर बट लेस देन हंड्रेड यानी अस्सी से ज्यादा और सौ से कम तो दूसरा वाला डेटा कौन सा लेना है बच्चों अस्सी से ज्यादा और सौ से कम यहाँ पर तो 80 से ज्यादा 100 से कम 80 से ज्यादा और 100 से कम एक दो तीन चार यानी ये वाला डेटा तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 38 और तीन 68 सेवन एट 78 एट और 3 हमारा हो जाएगा 81 81 और वन एंड यानी यहां पर हमसे बोला गया है ये वाला डेटा कि ये वाला जो डेटा है ना बोला गया नंबर ऑफ पर्सन इतना इज व्हाट परसेंट मोर देन यानी ये वाला डेटा 90 से कितना ज्यादा है 160 जो है वो हमारा नब्बे से कितना ज्यादा है तो यहाँ पर देखो सोलह नौ से कितना ज्यादा है तो बोलोगे सात ज्यादा है परसेंटेज में बताना है तो नौ से भाग करेंगे सात बटे नौ इंटू सौ यानी सात सौ बटे नौ तो नौ छः चौवन ठीक है नौ नौ इक्यासी नौ सतह तिरसठ नौ का सात गुना तिरसठ फिर नौ का सात गुना तिरसठ लगभग लगभग सेवनटी के करीब में यानी सेवेंटी सेवन पॉइंट एट परसेंट इज द करेक्ट आंसर मानसाराम सरान कहते हैं सर टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्लास नोट्स नहीं मिल रहे हैं जी हाँ बिल्कुल मानसाराम जी वो आपको खुद बनाने हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्लास नोट्स हम चाहते हैं कि वो जो नोट्स हैं वो आप खुद बनाएं ताकि आपको फायदा हो सके ठीक है आ जाइए इसी वजह से वो जो नोट्स है वो हमने प्रोवाइड नहीं कराए हैं बस एक चैप्टर का है वो आप खुद से बना लीजिएगा आ जाइए यहाँ पे अगला डी भी कुछ इसी प्रकार है यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया गया है तो लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ न्योन लैम्प जैसे न्योन वाली जो मोमबत्ती होती है ना या फिर जो लैम्प होते हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया कि वो कितने घंटे तक चलते हैं या कितने दिनों तक तो यहाँ कहा गया कि देखो यहाँ पर ठीक है 200 से 300 घंटे के बीच में जैसे आप होता है ना आप कोई मरकरी खरीद के लेके आते हैं या कोई ट्यूबलाइट लेकर आते हैं बल्ब लेकर आते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर होता है कि 200 घंटे चल सकता है 500 घंटे चल सकता है हजार घंटे जो है वो चल सकता है यानी एक साल की वारंटी जो कहें हम उसी आधार पर तो दो से तीन घंटे चलने वाले कितने बल्ब हो गए तो एक सौ से चार घंटे चलने वाले कितने लैम्प हो गए एक इस अनुसार हमारे ये सारे के सारे डेटा दिए गए हैं और इसी बार का ये मेस का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है क्या पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ नियोन लैम्प है जो आठ सौ से ज्यादा है ठीक है एट हंड्रेड और मोर आवर इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट यानी एट हंड्रेड और मोर यानी पूरा का पूरा डेटा लेना है बोला गया ना टोटल नंबर ऑफ नियोन लैम्प हैविंग लाइफ टाइम ऑफ एट हंड्रेड और मोर आवर इज अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ नियन लैम्प 800 यानी सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया 800 घंटे या 800 घंटे से अधिक वाले जितने भी बल्ब हैं तो पहले हम उनकी संख्या ले लेते हैं 800 घंटे या आठ से ज्यादा यानी एक दो तीन चार पाँच पाँचों बिल्डिंग लेनी है साढ़े तीन सौ में तीन सौ जोड़ेंगे साढ़े छः सौ आ जाएगा ठीक है और तीन सौ ये हो जाएगा तीन दो पाँच एक छः सौ छः सौ यहाँ पर बारह बारह पचास बारह पचास और दस हमारा तेरह सौ पचास यानी इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है तेरह सौ पचास जोड़कर देख लो ये साढ़े छः सौ आ जाएगा और ये हमारा छः सौ आ जाएगा तो साढ़े छः सौ में छः सौ जोड़ो साढ़े बारह सौ साढ़े बारह सौ सौ साढ़े तेरह सौ यानी हमसे यहाँ पर यह बात बोला गया है कि जो ये साढ़े तेरह सौ का डेटा है ठीक है टोटल नंबर ऑफ नियोल लैम्प हैविंग लाइफ टाइम ऑफ एट हंड्रेड और मोर आवर ठीक है इज अप्रॉक्सीमेटली वॉट परसेंटेज मोर देन यानी ये जो साढ़े तेरह सौ है ये कितना परसेंट ज्यादा है ठीक है टोटल नंबर ऑफ नियोल फोर हंड्रेड और मोर आवर बट लेस देन एट आवर यानी चार सौ से ज्यादा और आठ सौ से कम यानी इसकी तुलना करनी है चार सौ से ज्यादा और आठ सौ से कम में तो आ जाइए यहाँ पर चार सौ से ज्यादा लेकिन आठ सौ से कम यानी एक दो तीन चार ये हमें लेना है ठीक है तो तीन और 225 कुल मिलाकर हो गए हमारे 600 छः सौ तीन सौ नौ सौ नौ सौ यानी हमें यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो ये वाला जो डेटा है ये 1200 से कितना परसेंट ज़्यादा है बोला गया ना नंबर ऑफ इतना इज़ व्हाट परसेंट मोर देन यानी ये वाला इससे कितना परसेंट ज़्यादा है तो अगर आप यहाँ देखोगे ज़ीरो से जीरो ख़त्म 135 और 120 यानी कितना ज़्यादा है पंद्रह ज़्यादा है कितने के ऊपर एक के ऊपर तो पंद्रह बटे एक सौ क्या कर लेंगे सौ पंद्रह से काटोगे तो आठ बार में सौ बटे आठ यानी साढ़ा बारह परसेंट होता है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों बताइए तो ये सारे के सारे हल्के फुलके सवाल थे जो हमें करने थे एक लास्ट क्वेश्चन इसका हो जाता है ये लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारे यहाँ पर तो ये जो है आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा और वो स्टार्ट होगा हमारा मिसिंग डीआई ठीक है तो ये क्वेश्चन जरा देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पढ़िए और थोड़ा सा सोचिए कि इसको कैसे बनाएंगे कहा गया इन द गिवन इंस्टोग्राम इन विच क्लास इंटरवल द मीडियन मार्क्स लाइज कौन से वाले क्लास इंटरवल में जो मीडियन मार्क्स है वो आएंगे और आपको यहाँ दिया गया जीरो से पंद्रह के बीच में आठ लोग हैं पंद्रह से तीस के बीच में चौदह लोग हैं तीस से पैंतालीस के बीच में इतने बच्चे हैं पैंतालीस से साठ के बीच में तीस बच्चे हैं साठ से पिचत्तर के बीच में और पिछहत्तर से नब्बे के बीच में और आपसे यहाँ पर मीडियन पूछा गया है कि जो मीडियन डेटा आएगा वो यहाँ पर कौन से वाले क्लास इंटरवल में आएगा तो मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूँ दो मिनट के समय में आप इसको बनाइए तब तक ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं ठीक बनाइए जल्दी से इसको हाँ जी तो देखिए यहां पर एक और चीज है यहां पर जो आपके शीट में क्वेश्चन अभी डाला गया था वो सिर्फ और सिर्फ मीडियन का डाला गया था लेकिन मुझे अचानक से यहाँ पर ध्यान आ गया है कि इसमें सिर्फ मीडियन के नहीं और भी कई सारे टाइप्स बनते हैं जैसे मीडियन हो गया मीडियन के बाद आपका मीन हो गया ठीक है और मीन के अलावा एक आधा क्वेश्चन और भी हैं जो स्टैंडर्ड हैं जैसे अभी तक हमने जितने सवाल किए थे वो सारे के सारे हलवे सवाल थे हलवा मतलब क्वेश्चन हैं ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है जहाँ पर हमसे मीडियन पूछा जाता है और इसके बाद यहाँ पर एक मीन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है मीन वाला क्वेश्चन शीट में नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगा अभी वहां पर जाने के बाद जो है यहाँ पर तुरंत करवा दूंगा क्योंकि ये जो DI आया था CPO 13 मार्च 2019 में इसमें कुल मिलाकर तीन सवाल थे एक आपका मीडियन पूछा गया था एक आपका मोड पूछा गया था और एक आपका और क्वेश्चन था वो नॉर्मल सा क्वेश्चन था ठीक है अब क्या होता है यही थोड़ा सा हिस्टोग्राम का एक्सेप्शनल पार्ट बन जाता है जहां पर आपके क्वेश्चन जो है वो मीन और मीडियन और मोड तीनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ठीक है जनरली अगर मैं आपको बात करूं यहां पर तो सी एच एस एल में इसका सबसे ज्यादा तांडव रहता है तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तीनों कंसेप्ट स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट होगी तभी से मैं बता दूंगा और मुझे लगता है कल आपका डी आई जो है वो खत्म हो जाएगा कल आपकी डी आई की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम आपको सबसे पहले मीडियम मीडियन मोड का पूरा कंसेप्ट दे देंगे और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग डी आई ये वाले टिपिक को भी खत्म कर देंगे ठीक है तो जो मुझे और भी क्वेश्चन एड करने हैं शीट में वो थोड़ा सा धा और ऐड सब्ट्रैक्ट मैं कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट मिल जाए और सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए और इसका फ़ायदा आपको और मिले ठीक है तो जो मीडियम निकालने वाला पार्ट है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे मीडियम निकालते हैं कैसे मोड निकालते हैं क्या क्लास इंटरवल होता है फ्रिक्वेंसी होती है थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ जाएगा तो कल की क्लास में एकदम टाइम पर रहेंगे आप सभी ठीक है चलिए खुश रहिए मस्त रहिए मिलते हैं अगले सेशन में धन्यवाद